गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज से हम लोग एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, जो आपका CC5 कॉमन कोर्स है। तो विनोबा यूनिवर्सिटी में ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है ना, BBMQ में ये यूनिट 5 नहीं है, है ना। तो ध्यान दें, ये जो स्पेशली है सिर्फ VBU वाले बच्चों के लिए है, और भी अदर यूनिवर्सिटी जिनको ज्योमेट्री पढ़ना है वे लोग देख सकते हैं। तो आज से शुरू करेंगे हम लोग ज्योमेट्री वहाँ से जो हमने क्लास 7, 8, 9, 10 में छोड़ा था, वहाँ से बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर के आएंगे। इस पूरे ज्योमेट्री के सिलेबस में आपको पढ़ना है स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें तो आपको पढ़ना है क्या जी, आपको पढ़ना है XY प्लेन, जिसे हम कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन पढ़ना है। फिर पोलर प्लेन पढ़ना है, है ना, पोलर प्लेन पढ़ना है। फिर उसके बाद इस पोलर प्लेन का ही एक्सटेंशन कह सकते हैं, तो पोलर प्लेन का ही एक्सटेंशन कह सकते हैं सिलेंड्रिकल प्लेन। फिर इसी पोलर प्लेन का एक्सटेंशन सिलेंड्रिकल प्लेन, फिर उसके बाद स्फेरिकल प्लेन। ये कुछ 3-4 प्लेन पढ़ने हैं, और इसके बाद ही फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास शुरू करते हैं, और ध्यान रहे थोड़ा धीरज रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्लास शुरू करते हैं, आते हैं हम लोग ज्योमेट्री का शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री शुरू करें उससे सबसे पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है, अगर हम आप सबसे पूछें कि एक नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे लिख दिया मैंने कि 5, अब बताइए इस 5 जो नंबर मैंने लिखा इसका एड्रेस क्या है, इसको हम कहाँ लोकेट करें। जैसे अगर हम आपसे पूछ देते हैं, जैसे एक छोटा सा और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऑफिस की बात करें, या धनबाद मैथ्स एकेडमी जो मैथ्स जिनका मेजर पेपर है, मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों को, या मैथमेटिक्स जिनका जेनरिक है उन लोगों के लिए धनबाद मैथ्स एकेडमी क्या करता है ना कि सिटी सेंटर धनबाद में, धनबाद सिटी सेंटर के पास ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, और बाकी ऑनलाइन ऐप में तो है ही। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि DMA का, धनबाद मैथ्स एकेडमी का ऑफलाइन सेंटर कहाँ है, आप सभी बच्चे लोग बता पाएंगे कि हाँ सर, DMA का जो ऑफलाइन सेंटर है वो धनबाद सिटी सेंटर के पास है। ठीक है, तो आप सब लोग बता पाएंगे। ठीक उस तरीके से अगर हम आपसे अभी क्वेश्चन मैंने पूछा कि जिस तरीके से DMA का एक अपना लोकेशन है, क्या इसके ऑफिस का ऑफलाइन सेंटर का एक लोकेशन है, तो उस तरीके से क्या हर एक नंबर का भी अपना कुछ लोकेशन होता है, कुछ एड्रेस होता है क्या। तो यही हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि जैसे 5 मैंने एक नंबर लिख दिया, तो क्या इसका कोई एड्रेस है, क्या इसका कोई लोकेशन है। मैंने मान लीजिए 2.1 लिख दिया, क्या इसका कोई लोकेशन है। तो ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, इन सभी का, जैसे मान लीजिए कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, उस सभी रियल नंबर का अपना एक लोकेशन है, अपना एक एड्रेस है। तो उसको रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं हम लोग, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। आप लोग नंबर लाइन इससे पहले भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो आइए थोड़ा सा हम इसको जस्ट नोट में रिकॉल करते हैं, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मिड में क्या होता है जी, यहाँ पे होता है 0। अब राइट साइड बढ़ेंगे, राइट में बढ़ेंगे तो बड़ा होते जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा 1, फिर और इधर आप आइए यहाँ पे मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा यहाँ पे 5, फिर डॉट 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 इस तरीके से मिलता जाएगा। अब इधर से आप 0 से इधर बढ़ेंगे तो -1 होता है, फिर -2 होता है, फिर -3 होता है, फिर -4 होता है, डॉट डॉट इधर से डॉट 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 इधर चलते जाएगा। अब अगर हम आपसे किसी भी नंबर्स का लोकेशन पूछ लें कि मान लीजिए 5 को कहाँ लोकेट करते हैं जी, तो आप लोग बिल्कुल बता पाएंगे कि सर 5 तो यहाँ पे है। अगर हम आपसे पूछें कि 4.1 कहाँ पे होगा, तो 4.1 कहाँ होगा, 4 से इधर ये हो सकता है ना। तो पता है एक चीज़, आप यहाँ पे नंबर लाइन पे नोट करिएगा, यहाँ पे नोट से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग नोट से ही शुरुआत करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, तो अभी हम जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ये तो नंबर लाइन आप समझ गए, अभी हम किसी भी नंबर्स का एड्रेस पूछ रहे थे, आप बता पा रहे थे कि हाँ जी 4 यहाँ लोकेट होगा, 5 यहाँ लोकेट होगा, कोई भी रियल नंबर। तो रियल नंबर का एक डेफिनेशन भी इसी से आता है, पता है आपको, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में एक कोई भी रियल नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाता है उसे रियल नंबर कहते हैं हम लोग। अच्छा, इस नंबर लाइन का एक खास बात क्या है पता है आपको, देखिए खास बात इसका ये है कि जब हम लोग इसमें राइट की ओर बढ़ते हैं, राइट की ओर बढ़ते हैं तो हमेशा इंक्रीज मिलता है मुझे, हमेशा बढ़ते हुए मिलेगा। देखिए जैसे मान के चला जाए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप राइट तरफ बढ़ गए, राइट थोड़ा सा भी राइट क्यों ना बढ़ जाइए, आप मान लीजिए यहाँ हैं आप और राइट बढ़ गए, यहाँ चले गए, तो आपको 1 से बड़ा वैल्यू मिलेगा। आप राइट गए नंबर लाइन पर तो बड़ा मिलेगा, तो एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में हो सकता है ऐसा ही पूछ दे कि नंबर लाइन में अगर आप राइट जाते हैं, मतलब लेफ्ट की ओर से राइट की ओर बढ़ते हैं, मतलब इधर बढ़ते हैं, तो क्या वैल्यू मिलेगा, बढ़ते हुए मिलेगा। लेकिन अगर यही 1 से आप इधर बढ़ जाएं तो क्या मिलेगा, घटते हुए मिलेगा, जैसे 1 से इधर बढ़ेंगे तो 0 मिलेगा। क्लियर, ये सिर्फ यहीं पे नहीं, कहीं पे भी खड़ा हो जाइए, यहाँ पे खड़ा हो जाइए, देखिए यहाँ पे खड़ा हो जाइए, राइट की ओर बढ़िए, राइट की ओर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना -4 है, मतलब
चार कर्ज में है। नेगेटिव का मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कर्ज, तो यहाँ पे चार कर्ज में है। और जैसे यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ तो तीन कर्ज में है, तो मतलब ये ज़्यादा बड़ा ना हुआ, इसके पास कम कर्ज है तो ये ज़्यादा बड़ा हुआ, तो नेगेटिव में उल्टा होने लगता है ना, कि जो जितना बड़ा नेगेटिव वो उतना छोटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे चार है, तो चार कर्ज में है ये, इधर आ गए तो फिर तीन ही कर्ज है, ये तो बड़ा है। इसीलिए ये लॉजिक होता है कि जब राइट बढ़ते हैं तो वैल्यू बड़ा होता है, और जब लेफ्ट की ओर जाते हैं हम लोग इस नंबर लाइन में लेफ्ट की ओर जाते हैं तो वैल्यू छोटा होने लगता है। तो ये आपको नोट ध्यान रखना है, ज़रूरत पड़ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि नंबर लाइन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलिए इसके बाद नंबर लाइन, मुझे लग रहा है समझ गए होंगे कि नंबर लाइन में क्या होता है, मिडिल में होता है ये जीरो। और ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो जीरो के इधर वाले सारे, जीरो को छोड़कर, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जीरो से इधर सब पॉजिटिव, जीरो से इधर सब नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है हमें कि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे क्या, प्लेन वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ताकि हम फिर कार्टेशियन प्लेन, पोलर प्लेन सबको समझा पाए। देखिए एक मेरा सवाल है आप सबसे, जैसे मान के चला जाए कि हम यहाँ पे इस बोर्ड पर एगो इतना बड़ा सा पॉइंट बना दिए, ठीक ना, और आपको इस क्लास में बैठा दिए, जहाँ से भी हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपको हम बैठा दिए, ऑफलाइन सेंटर में बैठा दिए कि एक पॉइंट है बोर्ड पर और आपको बैठा दिए, और हम चले गए कहीं बाहर, पटना चले गए, और आपसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अच्छा बताइए कि डिजिटल बोर्ड पर कोई पॉइंट है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर एक पॉइंट तो दिख रहा है, हम आपसे पूछें बताइए वो पॉइंट कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे, आखिर डिजिटल बोर्ड पर तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप हमको बताएंगे कैसे। तो आपको पता है एक बात कि किसी भी चीज़ के लोकेशन को बताने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब, जैसे कि मान के चला जाए किसी को भी आपको एड्रेस ही बताना है, आपके घर का एड्रेस बताना है या फिर किसी भी चीज़ का एड्रेस बताना है, तो क्या बोलते हैं कि अच्छा जी यहाँ पर जो कोलियरी है जहाँ कोयला निकलता है उससे 100 मीटर दूर, या फिर जो रेलवे स्टेशन है उससे 500 मीटर दूर। तो हम लोग हमेशा किसी न किसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए इसी पॉइंट को बताना हो फ़ोन पर आपको, तो आप क्या इस दीवार को, इस साइड जो बाउंड्री है इधर को रेफरेंस ले सकते हैं कि सर जो डिजिटल बोर्ड का बायां तरफ है उससे 20 सेंटीमीटर दूर, इसे 20 सेंटीमीटर दूर है और नीचे से 40 सेंटीमीटर दूर है, तब हम एग्जैक्ट इसको समझ पाएंगे कि अच्छा जी बायां से इतना और इधर से इतना तो यहाँ पर ज़रूर होगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा तो एक तो तरीका हो गया कि आप इस किनारे से और इस किनारे से रेफरेंस लेकर के बता दिए। एक तरीका तो ये भी हो सकता था ना कि इस कोने से इतना दूरी पर और इतना एंगल पर, यह भी तो हो सकता था। बात को एकदम ध्यान से समझना, अगर ये लॉजिक समझ गए तो आप कार्टेशियन प्लेन, पोलर प्लेन सबको समझ जाएंगे। बस थोड़ा धीरज रखना है। देखिए क्या बोले हमने आपसे अभी ये कहा कि एक पॉइंट था अपने पास, यहाँ पे ये पॉइंट था अपने पास, हमने बोला कि चलिए इस पॉइंट का लोकेशन बताइए, तो आप तो ये एक अभी एग्जैक्ट तरीका, इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि आप इस बोलेंगे कि सर ये लेफ्ट वाले बाउंड्री से 20 सेंटीमीटर, अब 20 सेंटीमीटर तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो कहाँ वाला 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इधर से और नीचे से भी नापिए आप, नीचे से 40 सेंटीमीटर, तब जो एग्जैक्ट यहाँ बता पाएंगे आप। तो एक तरीका तो ये हो गया बताने का इस पॉइंट को। अच्छा आप एक तरीका और भी था, ठीक, एक तरीका तो ये वाला था कि हम दीवार, दोनों तरफ की दीवार को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिए और फिर हम लोकेशन बता रहे थे। एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप बताएंगे सर कि जो नीचे वाला कोना है उससे इतना दूरी पर, और फिर ये वाला जो कोना है आप बोलेंगे सर, मान लीजिए यहाँ पे हम बोल दिए कि ये 50 सेंटीमीटर का है, कि कोना से 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यही कोना से 50 सेंटीमीटर यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है। तो सिर्फ हम डिस्टेंस से नहीं बता सकते, तो हमको ये भी बताना होगा कि कोना से 50 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एंगल जो है वो बन रहा है 40 डिग्री। तो अगर ये दो चीज़ बता देते हैं, डिस्टेंस और एंगल, तब भी आप बता पाएंगे एग्जैक्ट लोकेशन। ये तो लॉजिक को समझना है स्टूडेंट। पिछली बार हम इसी पॉइंट, वही था पिछली बार, इस पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए हम दोनों दीवार का सहारा लिए थे, दोनों तरफ की बाउंड्री का सहारा लिए थे, और इसी बार इसी पॉइंट को बताने के लिए हम दूसरा तरीका का मदद ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा तरीका लिए कि भाई यहाँ पे कोने से दूरी निकाल दिए और फिर ये भी बता दिए कि एंगल कितना है ना, तभी ना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई यही 50 सेंटीमीटर यहाँ भी तो हो जाएगा, यही 50 सेंटीमीटर यहाँ भी तो हो सकता था, तो सिर्फ डिस्टेंस नहीं बता सकते। तो वही बात है। तो अब आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए कि जो हमने इस पॉइंट को पहले तरीके से रिप्रेजेंट करा था ना,
इसी पॉइंट को हमने जो फर्स्ट तरीके से दोनों तरफ के बाउंड्री को रेफरेंस लेकर के, रेफरेंस का मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब जहाँ से दूरी को मेजर कर रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं कि हाँ इसी से हमें सारा मेजरमेंट करना है, तो इसी पॉइंट को जब हम मेजर कर रहे थे वो बाउंड्री को रेफरेंस लेकर के, जब दोनों तरफ के बाउंड्री को, तब उस सिचुएशन में जो प्लेन बनता है उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और जब वो एंगल और डिस्टेंस की मदद से लेते हैं ना तो बोलते हैं पोलर प्लेन। सबको समझेंगे, पर फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आखिर हमें रेफरेंस का आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा हम लोग और जनरलाइज करते हैं, स्टूडेंट बात को समझते हैं। ये तो ठीक था कि डेली लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन था हमारे पास, हम कहीं पटना में गए हुए थे, आपसे पूछे बोर्ड पर कहाँ पॉइंट है। अब यही सिचुएशन मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी पॉइंट को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन, वही जो किनारे वाला बाउंड्री पॉइंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस था, एक पोलर प्लेन जो एंगल और डिस्टेंस के मदद से होता था। तो सबसे पहला जो लॉजिक है स्टूडेंट वो आप लोग हेडिंग दे करके लिखिए, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है सब समझाएंगे, पर थोड़ा सा पहले हेडिंग लिख लीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद फिर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी बात करेंगे, पर ठीक है। चलिए इसको हम लोग ऐसे इसके ऊपर लिखते हैं, यार ये तो पहले ही सही था, पहले ज़्यादा विजिबल था ना, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ कर देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, हम आपको समझाते हैं कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस तरीके से अभी जैसे हम एक सिंगल कोई रियल नंबर बताते हैं कि 5 को कहाँ लोकेट करेंगे, 6 को कहाँ लोकेट करेंगे, उस तरीके से किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मदद लेते हैं नंबर लाइन का, जो अभी हमने सीखा है नंबर लाइन ना। देखिए अभी अभी हमने सीखा था, यहाँ पे आपको दिखाएं कि नंबर लाइन क्या होता था, आपने समझा है। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन हॉरिजेंटल ले लेते हैं, है ना, जो यहाँ पे मतलब ऐसे कहते हैं एक नंबर लाइन सोया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे कहीं पे बीच में जीरो होगा, और ठीक और क्या करते हैं स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिए, एक नंबर लाइन इसी से इंटरसेक्ट करता हुआ यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, बात समझिए, दो को नंबर लाइन ले लिया गया है। ये दोनों नंबर लाइन किस तरीके से लिया गया है कि आपस में, जैसे देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था अभी कि नंबर लाइन में मिडिल में जीरो होता है जी, है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। तो अब क्या किया गया, इस यहाँ पे दो नंबर लाइन यूज़ किया गया, ये वाला जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है ये वाला हॉरिजेंटल वाला, ये वाला इसका जीरो कहाँ पे है, यहीं पे, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, और इस वाले नंबर लाइन का भी जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए कि क्या सिचुएशन बन रहा होगा, सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा होगा कि यहाँ पे इस वाले नंबर लाइन का जीरो और इस वाले नंबर लाइन का भी जीरो यहाँ पे, ठीक। अब आप देखेंगे तो यहाँ से जीरो से अगर राइट बढ़ेंगे तो 1, फिर मिलेगा यहाँ पे 2, फिर मिलेगा यहाँ पे 3, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 5, फिर 6 डॉट 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 इस तरीके से मिलेगा। अब भाई इस नंबर लाइन का यहाँ जीरो है तो इससे जस्ट पीछे -1, जस्ट पीछे -2, जस्ट पीछे -3, -4 डॉट 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 इधर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया एक नंबर लाइन। अब जस्ट इसके ऊपर आएंगे तो एक दूसरा नंबर यहाँ पे, भाई यहाँ जीरो है उसके जस्ट ऊपर क्या होगा, 1, फिर यहाँ पे मिलेगा 2, ऊपर पॉजिटिव है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इस तरीके से नीचे भी चलता जाएगा। अब कहेंगे कि आखिर इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, तो देखिए मैथमेटिक्स में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसी को लेते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये है क्या, तो कुछ नहीं जी, दो गो नंबर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री का कोण पर। ऐसा नहीं है कि एक नंबर लाइन ऐसे है दूसरा नंबर लाइन ऐसे, ऐसे नहीं है, दोनों आपस में क्या है एकदम परपेंडिकुलर है ना, ऊर्ध्वाधर एकदम है, लंब है एकदम। देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन एक दूसरा नंबर लाइन दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जीरो पर ही दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दोनों का ही जीरो यहीं पर है। तो ये जो सिचुएशन, ये जो पूरा हिस्सा बनता है, आप नोटिस करिए कि क्या ये इतना ही बड़ा है,
नहीं, ये इनफाइनाइट तक लेंथ जाता है, आप इसको बस सोच भी नहीं सकते, ये इतना बड़ा है। इधर से ये देखिए, ये चलता जाएगा, ये ऊपर चलता जाएगा, तो ये देखिए ये एरिया जो होगा ये पूरा बढ़ता ही जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये भी पूरा बढ़ता ही जाएगा, ऊपर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये भी। तो आप समझ पा रहे हैं ये कितना बड़ा चीज़ बना दिया गया यहाँ पर। और आपको पता है इसका बेनिफिट क्या है, कि आप कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान चला जाए आप यहाँ पे कोई नॉर्मल सा एक पॉइंट ले लेते, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया आपने, ठीक, आपने कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, आप बोलेंगे सर इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन को हम लोग दो तरीके से बताते हैं, अभी मैंने आपको समझाया भी था। तो लोकेशन को बताने का क्या पहला तरीका, तो ये था जी कि इस दीवार से ये कितना दूरी पर है, इस दीवार से ये कितना दूरी पर है, कैसे पता करेंगे, तो देखिए ना यहाँ से यहाँ इतना दूरी पर है ना जी, तो नापिए, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 6 है जी। देख लीजिए यहाँ बात वही है ना, वही लाइन यहाँ पे भी है, तो हम इसके मदद से मेजर कर ले कि यहाँ पे 6 है, तो ये 6 किस में डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस 6 किस में ट्रैवल किया है जी, तो एक्स में, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इधर से 6 ट्रैवल किया, और ऊपर ऊंचाई कितना है इसका, जैसे इधर से कितना, यहाँ से कितना दूरी है, तो देखिए नाप लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, इधर से भी 6 है, तो आपको पता है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक तरफ 6 है और दूसरे तरफ भी 6 यूनिट है, तो इस पॉइंट का लोकेशन होगा 6.6। आप बोलेंगे कि सर इस, ये भी एक नंबर लाइन है, ये भी नंबर लाइन है, तो हम कैसे पता करेंगे कि दोनों अलग अलग है चीज़, तो हम लोग इस नंबर लाइन को जो हॉरिजेंटल होता है इसको हम लोग कह देते हैं एक्स, एक्स इधर जिधर पॉजिटिव वाला तरफ एक्स, और जिधर नेगेटिव होता है उधर एक्स डैश। अब एक्स ही क्यों, क्योंकि जब जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम लोग एक अलग सा नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, क्या नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है इसको क्या नाम दे देते हैं वाई एक्सिस, जिधर पॉजिटिव है उधर वाई, जिधर नेगेटिव है उधर हम डैश से डिनोट करते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, या फिर बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, या फिर और भी अलग अलग नाम है, 2D प्लेन भी बोलते हैं, 2 डायमेंशन, इसमें 2 डायमेंशन है, जैसे नंबर लाइन में क्या था जी, नंबर लाइन में सिर्फ 1 डायमेंशन था, लेफ्ट राइट बस, इसमें क्या है लेफ्ट राइट तो है ही, ऊपर नीचे भी है। तो अब आप बात समझ पा रहे हैं, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि भाई बताइए इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, इस पॉइंट का लोकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल किया है ना, एक्स एक्सिस में इसका ट्रैवल कितना, एक्स एक्सिस में कितना दूरी है, तो देखिए यहाँ पे ये एक्स यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो क्या हम मेजर करेंगे, 1, 2, 3 यहाँ तक गया है ना, तो एक्स में गया 3 ना, तो सबसे पहले एक्स वाला ही लिखते हैं डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस में 3, फिर वाई में कितना गया है, तो वाई में यहाँ पे मेजर करिए 1, 2, 3, 4, वाई में 4 गया है, तो यहाँ पे वाई में 4, तो 3.4 इस पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस में उसका डिस्टेंस ट्रैवल मेजर करते हैं, फिर वाई में कितना यूनिट ट्रैवल किया है वो मेजर करते हैं, और इस पूरे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या फिर 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं, अरे बात समझ, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि बताइए भाई इधर यहाँ पे एक पॉइंट मैंने दे दिया आपसे, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और इसका कोऑर्डिनेट हम पूछ दिए, तो फिर क्या बताएंगे आप इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है कि एक डायग्राम दे देगा और बोलेगा इस पॉइंट का नाम दे देगा पी, बोलेगा पी का एड्रेस क्या है, मतलब पी का कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, तो सबसे पहले कुछ नहीं एक्स एक्सिस में देखिए, एक्स एक्सिस मतलब ये वाले में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ से -1, -2, -3, -4 तक गया है, तो एक्स में कितना है -4 है, वाई में कितना है देखिए यहाँ, तो ऐसे नाप लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो वाई में गया है 5, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया -4.5। तो इस तरीके से हम लोग एक्स वाई प्लेन को समझते हैं, एक्स वाई प्लेन का मदद क्यों लेते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन में हमें पॉइंट्स के एड्रेस को बताना होता है कि हाँ जी एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट इससे इतना दूरी पर है ना, जैसे आप देखें ना एक पॉइंट यहाँ है दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो हर पॉइंट का अपना यूनिक एड्रेस होता है, अब यहाँ पे जो पॉइंट है उसका 6.6 ही होगा और कहीं पे दूसरा जगह 6.6 नहीं मिल सकता, तो हर पॉइंट का यूनिक एड्रेस होता है और इससे हम बहुत सारे सिचुएशंस में काम लेते हैं, है ना। तो ये हो गया किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, जिसे बोलते हैं कार्टेशियन बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है एक्स और वाई एक्सिस का उपयोग होता है, इसे हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, और ध्यान दीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर क्यों,
रेक्टेंगुलर, ये दूसरा नाम है, ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि कार्टीसन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं, है ना, या एक्स वाई प्लेन को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी हम बात करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिएगा तो आप ये दोनों जो है वो 90 डिग्री पर है, क्लियर, इस वजह से। तो मुझे लग रहा है कि अब आप समझ जा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है और इसका क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इसी में, मुझे लग रहा है समझ गए होंगे आप लोग, अब थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं और आगे, अब बात करते हैं थोड़ा जनरल, बस कॉन्सेप्ट ही समझना है, ठीक है ना, बाकी हम क्वेश्चंस वगैरह सब एक चीज़ को डील करेंगे, फिलहाल एक बार हम और इसको बनाते हैं ताकि थोड़ा सा हम और आगे बात को बढ़ा पाए। अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ मुझे पता हो ना हो, यहाँ पे मुझे ज़रूर पता है कि यहाँ पे होता है जीरो, आपको पता है इस जीरो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन, कि भाई ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो जिसे हम ओ से दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, ओरिजिन, यही ओरिजिन है, इससे राइट तरफ इधर ये वो ऐसे, क्लियर बात। तो अब एक बात यहाँ पे समझना है आप सबको, ये क्या हो गया जी, यहाँ पे जब हम अगले पेज में आ रहे हैं तो ये हो गया ओरिजिन, अब आप लोग ही मुझे बताइए इस चीज़ को क्या कहेंगे, एक्स कह देंगे, इधर क्या हो गया, एक्स डैश हो गया, ठीक, ऊपर क्या हो गया वाई, नीचे क्या हो गया वाई डैश हो गया, ठीक। अगर अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि बताइए इस, आपको पता है ये जो दो आपस में दो नंबर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो चार क्वाड्रेंट बनता है, एक ये एक ये एक ये एक ये चार क्वाड्रेंट बनता है, चार क्वाड्रेंट मतलब कि ये जो दो रेक्टेंगुलर ये जो दो नंबर लाइंस है आपस में इंटरसेक्ट करके चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे प्लेन को, और वो चारों इक्वल पार्ट्स क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है, क्या कहलाता है जी, क्वाड्रेंट कहलाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको एक खास बात बताएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप नोटिस करिए कि इधर जो भी आप जाएंगे, यहाँ पे आप जो भी जाएंगे, इस इधर क्या मिलेगा, एक्स वाला तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है जी, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ना कहानी है, ऊपर में आप जो भी लीजिएगा तो आप इधर इसी में ना मेजर करिएगा, तो वो क्या है, तो हर एक चीज़ पॉजिटिव है, तो एक चीज़ हम बता पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, जो भी दे दीजिए आप, देख लीजिए आप कुछ भी लीजिए एक्स वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अच्छा जी, और वाई जब आएंगे वाई, तो वाई भी तो पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वाई भी पॉजिटिव होता है। आप कोई भी नंबर लिख के देख लीजिए, एक्स क्या होता है पॉजिटिव, वाई भी अगेन पॉजिटिव। अब यही सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप चले जाएंगे तो एक्स इधर ये इस पे एक्स मेजर करना पड़ेगा और इधर इस पे एक्स क्या होता है जी, इस पे एक्स क्या होता है, देखिए इस पे एक्स क्या होता है, इस पे क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है। और अगर वाई की सेकंड क्वाड्रेंट में इसी को ना वाई लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक्स में नेगेटिव होता है और वाई में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, एक्स में नेगेटिव और वाई में पॉजिटिव, ये ध्यान रहे, ये साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो एक्स इस पे मेजर होगा, ये एक्स नेगेटिव, वाई इस पे मेजर होगा तो वाई भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ठीक। अब मुझे लग रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोग बता पाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स किस पे नेगेटिव, किस पे मेजर होगा, तो फोर्थ इस पे एक्स मेजर होगा, तो फोर्थ एक्स इस पे क्या, ये तो पॉजिटिव था तो एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है, वाई इस पे मेजर होगा तो वाई क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ठीक। और यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो आपने पढ़ा था ना वहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फिर इसमें हर एक वो एड शुगर टू कॉफी जो हमें क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वो सारा डेरिवेशन होता है। फिलहाल हम लोग बहुत डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाएंगे, ज्योमेट्री में ही रहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि टू डायमेंशनल प्लेन जो था इसका हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स लेंगे, जो भी पॉइंट्स लेंगे, जैसे आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पर जैसे ये एक पॉइंट है, इसका नाम देते हैं मान लीजिए पी नाम देते हैं इस पॉइंट का, या P तो है ही, इसका नाम दे देते Q। इस Q पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है, 6। सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है, 6। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वही चीज़ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पहला कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का वो पॉजिटिव होता है, दूसरा भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा में नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। आपको ट्रिक व्रिक याद नहीं रखना है आपको, ठीक है ना। आप अगर याद रखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, इसके जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
ऐसे भी रख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर और बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बात करना है, थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, सभी बच्चे इसको तो जानते ही होंगे, है ना, पर फिर भी एक बार हम लोग इस पर बात करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे मान के चला जाए स्टूडेंट कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P। आप बोलेंगे कि सर कोई एक पॉइंट है P तो उसका कुछ एड्रेस भी तो होगा, तो हम चलिए नाम दे देते हैं, उसका एड्रेस है x1, y1। आप बोलेंगे ये कैसे एड्रेस हुआ, तो देखिए मुझे तो नहीं ना पता था कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है कि 2 है कि 3 है, मुझे नहीं पता है। हम नाम दे देते, चलिए यहाँ पे x1। ये x1 जो है वो कहाँ का बताता है कि ये वाला डिस्टेंस x1 है ना, और ये y1 क्या बताता है कि ये पूरा हाइट y1 है। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था इसलिए हमने x1 y1 नाम दे दिया। अच्छा एक पॉइंट नाम दे देते हैं, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं जिसका नाम क्यू है, और इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं x2, y2। इस तरीके से हम इस दूसरे पॉइंट का एड्रेस दे दिए। अब आपसे क्या सवाल है कि भाई ये बताइए कि ये दोनों पॉइंट आपस में कितना दूरी पर है। समझिए जरा ध्यान से समझिए, हम पूछना चाह रहे हैं आप सबसे कि ये पॉइंट यहाँ से ये P और इस Q के बीच का दूरी कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये जो और पिंक कलर से किया गया है इसका दूरी कितना है। अब बात को जरा समझिएगा कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। अब आपसे पूछा गया कि इस P और Q का डिस्टेंस क्या है, जो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसका डेरिवेशन भी है, पर हम डायरेक्ट आपको बताना चाह रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ही डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं कि अगर P का ये कोऑर्डिनेट x1, y1, उसका x2 और y2, तो PQ का जो डिस्टेंस होगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप अंडर रूट। देखिए x2 बाद वाला माइनस पहले वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। ध्यान रहे जरूरी नहीं है कि हर बार x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे तो भी वही आएगा। देखिए जरा ध्यान से, ये कैसे, ये क्या फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला को थोड़ा याद भी करना है कि x2 में से आप x1 को घटाइए, बाद वाला माइनस पहले वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, इसको फिर अंडर रूट सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ इस लाइन का डिस्टेंस निकल जाएगा कि इसका डिस्टेंस क्या है। क्लियर, तो ये एक होता है रिजल्ट, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है जी कि फाइंड द डिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स कौन कौन सा है, 3, 5। 3, 5 इस पॉइंट से डिस्टेंस है, एंड 6, 9 दूसरा पॉइंट है, 6, 9। चलिए देखिए, हम आपको थोड़ा सा पहले सबसे पहले तो समझाना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली में है कहाँ कहाँ दोनों पॉइंट्स। नोट में समझिएगा, ये इसका आंसर तो हम लोग तुरंत एक लाइन में कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग नोट भी समझते हैं कि नंबर लाइन जब हम यहाँ पे बनाएंगे स्टूडेंट, जब हम लोग नंबर लाइन यहाँ पे बनाएंगे तो ये दोनों पॉइंट एक्चुअली में होगा कहाँ पे, ये दोनों ही पॉइंट एक्चुअली में होगा कहाँ पे, जरा समझते हैं। एक बात तो हम सब बच्चों को पता है क्या, कि यहाँ पे जीरो कहाँ पे होगा, ओरिजिन यहाँ पे होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं यहाँ पे। अब देखिए x में 6 मैक्सिमम गया है, देखिए इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ पे। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मान के जाए इसको हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा दोनों पॉइंट का लोकेशन समझ सकते, दोनों पॉइंट एक्चुअली में है कहाँ का, ये 3, 5 कहाँ पे होगा, x में 3, देखिए जरा ध्यान से, x में 3, y में 5, तो x में 3, y में 5 ढूंढिए, तो जरा x में 1, 2, 3, x में 3 यहाँ पे, तो 3 मतलब ये तो पूरा कहीं पे भी हो सकता है ये, लेकिन अब y में 5, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे, ये 1, 2, 3 यहाँ पे,
ये जो पॉइंट हो गया स्टूडेंट वो हो गया 3.5 का। तो ऐसे अगर पॉइंट दिया रहेगा तो आपको ये एग्जैक्टली लोकेट भी कर सकते हैं आप नंबर लाइन पे कि 1, 2, 3 यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे, ये तो 3, ये पॉइंट का कॉर्डिनेट हो गया 3.5। तो ये 3.5 यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6.9, तो 6 कहाँ पे होगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 6 है और 6 तो ऐसे चलते जाएगा। और 9 कहाँ है जी, देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पे, और ये इधर जा रहा, तो यहाँ पे होगा 6.9, तो इसका कॉर्डिनेट होगा 6.9। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मुझे यही दूरी निकाल के बताना है कि आखिर इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है क्या। आपको एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करना है, डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, डायरेक्ट जब हम सॉल्यूशंस करेंगे इस क्वेश्चन का तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जी। देखिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट जो पॉइंट्स पी है उसका क्या है 3.5, उसको हम नाम दे देते हैं 3.5, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, एंड क्यू क्या है 6.9। हम ये खुद से या नेमिंग किए इसीलिए लेट लिख दे रहे हैं कि भाई पी 3.5 का हम नाम दे दिए पी, इसका नाम दे दिए क्यू, है ना। बी टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं, बी टू पॉइंट्स, देन आप ही लोग बताइए इस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा कैसे निकलता है जी। तो डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया था, बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब 6-3 का होल स्क्वायर, समझे बात, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 6-3 का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला इधर वाला माइनस पहले वाला, समझ पा रहे हैं, y2-y1 तो मतलब 9-5 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 में से 4 गया 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना होता है जी 25 होता है, 16 9 अंडर रूट 25, है ना। और आपको पता है जी 25 का स्क्वायर रूट जब बाहर निकलता है तो कितना होता है 5, है ना, 25 का बाहर क्या निकलता है 5, और 5 लिखेंगे 5 यूनिट, क्यों यूनिट क्यों लिखेंगे, क्योंकि लेंथ है 5 यूनिट, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कि ये सेंटीमीटर में है मीटर में है, मुझे नहीं पता है, इसीलिए हम 5 यूनिट लिख करके आंसर छोड़ देंगे। तो बताइए क्या किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ पे, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जब हम आएंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन से पॉइंट्स है जी, दो को पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2.3 एंड -3.-4। तो ये आपका होमवर्क हो गया और हम चाहते हैं कि ये आप सभी लोग इसका तुरंत, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भाई हमें पता तो चले कि आप लोग सब लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट अपना 2 डायमेंशन वाला प्लेन था जी, क्लियर। यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो अभी तक हमने क्या सीखा इस छोटे से क्लास में, और भी हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, अभी 3 डायमेंशन पर भी जाएंगे। तो कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने सीखा, कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, दो नंबर लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करा करके पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, है ना। अब हमने सीखा कि इस क्वाड्रेंट में किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, और एक दो क्वेश्चंस भी हमने छोटे छोटे करें। अब आइए थोड़ा सा 3 डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। अभी जो हम लोग सिचुएशन पे बात कर रहे थे वो तो सिर्फ क्या था, इधर और ऐसे। अब आप इमेजिन करिए अपने रूम को, ठीक है ना। अभी तो जो भी सिचुएशन हम बात कर रहे थे वो जस्ट एक पेपर के जैसा था कि हाँ भाई इधर का हिस्सा ऊपर का हिस्सा, इसमें क्या था गहराई नहीं था, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे भाई लेफ्ट राइट अप डाउन, बस मतलब 2 डायमेंशन था इसमें। अब हम बात करने वाले 3 डायमेंशन के ऊपर। 3 डायमेंशन को फील करने के लिए आप इमेजिन करिए अपना रूम, रूम को आप देखेंगे तो एक क्या होता है ऐसे, फिर एक होता है ऐसे, और फिर एक होता है ऊंचाई ऐसे ना, मतलब अब 3 डायमेंशन के ऊपर हम लोग आ रहे हैं,
सेम यही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा है वही सारा चीज़ रहेगा, कुछ भी नया नहीं आएगा, जो हमने सीखा है बस वही रहेगा, बस अब चीज़ें थ्री डायमेंशन में हो जाएंगी। आप अपने रूम से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मान के चला जाए कि रूम में आपने क्या, मान लीजिए ये जो रूम है ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जी, देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन है अपने पास, एक है अपने पास ये वाला दीवार ठीक, और ये वाला अपने रूम का ये वाला एक दीवार है, और एक ऊंचाई वाला दीवार है ये वाला ठीक है। अब आप यहाँ पे कॉर्नर पे हैं ठीक है, मान के चला जाए स्टूडेंट कि हम यहाँ पे एक बॉल लटका दे रहे हैं, यहाँ पे जस्ट इमेजिन करिए यहाँ पे ये बॉल लटका हुआ है, दीवार पे नहीं है ध्यान दीजिएगा, बीचों बीच घर के बीचों बीच लटका हुआ है, तो इस बॉल का लोकेशन आप कैसे बताएंगे? अभी तक जो टू डायमेंशन में था तो हम क्या कर रहे थे, एक लेफ्ट वाला और एक देखिए अगर टू डायमेंशन में सिचुएशन था, यहाँ पे कोई पॉइंट था, तो एक इधर से डिस्टेंस लेते थे और एक इधर से बना देते थे उसका, हम लोग एड्रेस बता देते थे, लोकेशन कर देते थे। लेकिन इमेजिन करिए कि आपके रूम के बीचों बीच पंखा से बांध करके एक बॉल को लटका दिया गया, पंखे से बांध करके एक छोटे से बॉल को लटका दिया गया और बोला गया कि बॉल का लोकेशन बताइए, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि अच्छा सर इस एक दीवार से इतना दूरी पर है, मान लीजिए इतना दूरी पर है, तो आप बोलेंगे ठीक है जी, हम बोलेंगे चलिए ठीक है, एक दीवार से इतना दूरी पर है ठीक है, ऐसे हो सकता है कहीं भी हो सकता है, वो इतना दूरी पर है, वो इस दीवार से बोलेंगे कि सर वो इसे इतना दूरी पर है, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अब मुझे सिर्फ ज़मीन पर थोड़े है वो, इस दीवार से इतना दूरी, इधर से इतना दूरी, ज़मीन पर थोड़े है वो, अब कुछ ऊँचाई भी है उसके पास तो यहाँ पर होगा वो। तो जब थ्री डायमेंशन में हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट के लोकेशन के लिए, तो उसमें तीन एक्सेस काम करता है, एक ये वाला दीवार से कितना दूरी, एक इस वाले दीवार से कितना दूरी, और एक ऊंचाई कितना है उसमें, है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं घर में आप जहाँ पे हैं वहाँ पे देखिए कि अगर कोई पॉइंट लटका हुआ रहेगा तो कैसे बोलोगे, अच्छा ये एक दीवार से इतना दूर, दूसरे से इतना, और नीचे ज़मीन से कितना ऊँचाई, वो चीज़ तीन चीज़ से कि इस दीवार से कितना दूर, इस दीवार से कितना दूर, है ना, समझ पा रहे हैं, इस दीवार से कितना दूर, फिर इधर से ऐसे कितना दूरी, फिर ऊपर कितना है, तो ऐसे हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इसको लोकेशन करने के लिए हमें तीन एक्सिस की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यह नया कुछ नहीं है, एक तो आपका ये रहेगा ऊंचाई वाला ठीक है, और एक क्या रहेगा स्टूडेंट, एक तो आपका ये वाला रहेगा जो पहले से भी था। अब जो एक नया चीज इसमें आने जा रहा है कुछ, वो ये आने जा रहा है, थर्ड वाला जो है ये आने जा रहा है। आप बोलेंगे अरे ये क्या हो गया जी, तो जरा देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे पहले समझिए, ये है अपना एक्स एक्सिस जो हम लोग पहले से भी जान रहे थे, एक्स और एक्स डैश है ठीक, और ये है अपना वाई एक्सिस जो पहले से भी था, वाई वाई डैश था, अब ये नया चीज आ गया जेड, और इसका पीछे में जस्ट जेड डैश ठीक है। ये इसको आप इमेजिन ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हम थोड़ा सा देखिए जरा, ये डॉट डॉट डॉट, इसको थोड़ा सा आप जो रेड कलर से किया जा रहा है, ये पिंक कलर से, इसको आप इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए, इसको इमेजिन रखिए, और इसको फील करने के लिए अभी हम कुछ एक 3D एनिमेशन से रिलेटेड बताएंगे अभी आपको। चलिए पहले 3D वाला हम इमेज आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई तीन एक्सेस आ गया है। कौन कौन सा एक्सेस जी? एक तो है एक्स एक्सिस आ रहा है ठीक है, एक वाई एक्सिस था, अब ये एक नया चीज़ आ गया ये, जिसको गहराई आप कह सकते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए आइए हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं स्टूडेंट। एक डायग्राम सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, इस प्रेजेंटेशन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होने जा रहा है देखिए। इसको आगे बढ़ाते हैं हम, पहले इसको आप ऐसे यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से समझिए, देखिए देखिएगा, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो ये वाला जो दिख रहा है, ये हिस्सा जो दिख रहा है वो है एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स है और इधर पे आपका एक्स डैश है ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया आपका एक्स डैश ठीक। अब ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे जेड कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप वाई एक्सिस भी रख सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन, बस मुझे ये रखना होता कि थ्री डायमेंशन। अब बोलिए सर ऐसे कैसे हो गया जी? कुछ नहीं जी, इसको पकड़ के आप, इसको पकड़ के आप ऐसे कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, तो वाई वाला ऊपर जेड वाला इधर चला आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है। चलिए तो अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन एक्सिस कैसे काम करता है, एक एक्सिस इधर से, एक एक्सिस इधर से, ये पूरा पीछे, और फिर ये इधर से, ये कैसे ठीक है जी। अब आप एक बात का बिल्कुल ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे बैक वाला है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, जो जैसे इधर पीछे वाला है उसको थोड़ा सा हम कम हाईलाइट कर रहे हैं, जरा देखिए, तो इधर से
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इधर वाला हिस्सा का देखिएगा, हम सिर्फ क्या यूज़ कर रहे हैं इधर का, थोड़ा सा एकदम विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम ये एक्स को फोकस पे ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं और इधर को ले रहे हैं, इसके जस्ट पीछे वाले को, इसके जस्ट एक्स के पीछे वाले, एक्स के इधर पीछे वाले को थोड़ा सा हम हाईलाइट कम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाई बोर्ड तो टू डायमेंशन ही है, तो इसीलिए विजुअलाइज करने के लिए जस्ट हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ पीछे है। फिर इस इधर इधर वाले हिस्से को ले रहे हैं, बस पीछे वाले को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और फिर उसके बाद इधर ऊपर वाले को ले रहे हैं, नीचे वाले को इस तरीके। चलिए तो बस यही फील आपको करना था, थोड़ा सा और दूसरा डायमेंशन दिखाते हैं आपको, देखिए दूसरा डायग्राम दिखाते हैं आपको, देखिए देखिए एक ही, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला एक एक्स एक्सिस था ये वाला, और फिर एक ये वाई एक्सिस, देखिए यहाँ पे आपको वाई दिख रहा होगा, और फिर ये वाला आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। अब आप इसमें कहीं पे भी पॉइंट बनाएंगे तो उसका जो डायमेंशन, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो तीन एक्सिस में, एक्स में कितना दूरी, वाई में कितना दूरी, जेड में कितना दूरी। एक चलिए और डायग्राम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम ये भी देखिए। अब इसमें भी ना स्टूडेंट क्या होता है, इसमें ऑक्टेंट बनता है, जैसे टू डायमेंशन में कोऑर्डिनेट बन रहा था ना, इसमें बनता है ऑक्टेंट। अब वो ऑक्टेंट कैसे बनता है, थोड़ा सा धीरज रखेंगे आप तो बिल्कुल समझ पाएंगे। देखिए अब आप एक चीज़ का ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले से सिचुएशन हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले से सिचुएशन था ये, देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पे आइए, ये वाला एक्स था और ये वाला वाई एक्सिस था। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये जो दो नंबर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करके एक प्लेन का निर्माण करता है, क्या वो प्लेन कुछ ऐसा बन रहा हो क्या, यहाँ पर देखिए तो ये वाला प्लेन ऐसा बन रहा हो क्या, ये प्लेन ऐसे, इमेजिन करिए दो प्लेन, भाई जब दो नंबर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो एक प्लेन बनाता है। प्लेन का मतलब एक पतला सा पेपर, पेपर नुमा एक सरफेस, पतला सा पेपर आप समझिएगा, एक पतला सा पेपर बना रहा है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक पतला सा प्लेन बना रहा है। इसको आप डायग्राम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ का एक्स एक्सिस और यहाँ का वाई एक्सिस जो है वो इस ब्लू कलर के प्लेन को बना रहा है, कौन से कलर के, ब्लू कलर के, आप जरा इसको फील करिए, ये ब्लू कलर के प्लेन को ये क्या बना रहा है, एक्स वाई प्लेन। अब ये एक्स वाई प्लेन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि नोटिस करिएगा जब एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो प्लेन बन रहा है वो ये ब्लू वाला प्लेन बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ एक ही प्लेन नहीं बना है, अब दूसरा और भी प्लेन है, अभी तो सिर्फ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट किया तो एक प्लेन है, अब एक जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ का ये वाला जेड एक्सिस, ये भी तो आप अपने आप में, आप इमेजिन करिए, ये भी तो अपने आप में एक दो दो नंबर लाइंस है, जिस तरीके से एक्स और वाई आपस में इंटरसेक्ट करके ये ब्लू वाला प्लेन बनाया, उस तरीके से ये वाई एक्सिस और ये जेड भी आपस में तो इंटरसेक्ट कर रहा है, कि भाई वाई एक्सिस है और इधर से ऐसे जेड एक्सिस इंटरसेक्ट किया तो ये भी तो एक प्लेन बनाया है, उस प्लेन को यहाँ पे ये हल्का ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, वाई है और यहाँ पे जेड एक्सिस, तो वाई जेड प्लेन या जेड वाई प्लेन, इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे, वाई जेड या जेड वाई प्लेन। अब एक नीचे आ जाइए, आपका ये एक्स एक्सिस था और फिर एक आपका ये जेड था, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, की एक्स एक्सिस ऐसे है और ये जेड एक्सिस ऐसे है, तो ये भी तो एक प्लेन बनाएगा पूरा पतला नुमा पेपर। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं तीन प्लेन, ये कौन सा है, हल्का थोड़ा रेडविश कलर का है जो ये वाला प्लेन है, ठीक। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं फील पता है, तीन गो पेपर लीजिए और तीन पेपर आपस में किस तरीके से कट किया गया, देखिए ये ब्लू वाला ऐसे है, फिर एकदम ये उसको ऐसे कट कर रहा है, फिर ये बीचों बीच कट कर रहा है, तो आप थोड़ा सा फील कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक पेपर ऐसे, एक ऐसे और फिर एक इस तरीके से, और आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर टोटल आठ घर मिलेगा, एक इधर भी मिल रहा होगा घर, फिर एक इधर, फिर एक इधर और फिर एक इधर, जस्ट चार इसके जस्ट पीछे, चार तो आपको सामने इधर से दिख रहा है, चार जस्ट इसके पीछे है, टोटल कितने ऑक्टेंट होते हैं, ऑक्टेंट का मतलब कि जो तीन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, यही तीन प्लेन होते हैं ना जो आपस में इंटरसेक्ट करके टोटल स्पेस को तीन हिस्सों में बांटते हैं, सॉरी आठ हिस्सों में बांटते हैं, और वाई आठ हिस्सा क्या कहलाता है, ऑक्टेंट कहलाता है। और थोड़ा सा इसको फील करने वाला डायग्राम देखते हैं हम लोग, देखिए इससे फील कर सकते हैं आप, देखिए ये एक प्लेन हो गया ये वाला, अब यहाँ पे एक्सेस नहीं बताया गया है, नहीं तो आप बता पाते कि कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है कि वाई जेड प्लेन है, बट जो भी है ये एक प्लेन है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, जब आपस में तीनों इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है सबका, तीन प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा मतलब तीन गो नंबर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है जी, तो तीन गो नंबर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ बीच में ओरिजिन रहेगा और आठ गो ऑक्टेंट होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि क्या सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो
अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, अब जो आप देख पा रहे थे कि भाई वो तीन एक्सेस वाला बात था, एक एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, इसी सिचुएशन को अब हम सिंपल करने के लिए ऐसे बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे कि भाई ये एक्स एक्सेस का सिर्फ पॉजिटिव वाला हम लेंगे, ठीक, फिर ये वाई एक्सेस का सिर्फ पॉजिटिव वाला हम लेंगे और फिर जेड का हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। देख पा रहे हैं इसके पीछे, जैसे यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये वाई पॉजिटिव का है, ये एक्स पॉजिटिव का है, ये जेड पॉजिटिव का है, इस जेड के पीछे नेगेटिव है, देख लीजिए इधर नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होगा जेड, फिर इस एक्स के पीछे इधर नेगेटिव होगा और इस वाई के नीचे नेगेटिव होगा। समझ पा रहे हैं, हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं जी, हम सिर्फ एक कोना बना रहे हैं। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ज़रा देखिए इस चीज़ को, कि हम सिर्फ इस कोने को बना रहे हैं, एक कोने को सिर्फ हम बना रहे हैं, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को बना रहे हैं, इधर जेड, इधर एक्स और इधर ये, सिर्फ ये वाला हिस्सा हम बना रहे हैं। एक क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसी से स्टडी करेंगे और बाकी सबके लिए हम काम कर पाएंगे। फील करिए थोड़ा सा, हम सिर्फ इसको बना रहे हैं, एक्स का पॉजिटिव, वाई का पॉजिटिव, जेड का पॉजिटिव, बाकी एक्स का पीछे भी है। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई थ्री डायमेंशन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थ्री डायमेंशन में टोटल कितने हिस्से होते हैं, कितने ऑक्टेंट होते हैं जी, तो टोटल आठ है ना, तो पूरा थ्री डायमेंशन में आठ हिस्सों में बांटा जाता है। सेम यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर ले कि अगर यहाँ पे देखिए फिर से एक नंबर लाइन हम ले लेते हैं, सॉरी वो वाला हिस्सा हम लेते हैं, देखिए एक ये हम एक्स एक्सिस का पॉजिटिव ले लिया हमने, ये हो गया इधर, अब देखिए स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे कोई सा भी एक पॉइंट दे दे आपको यहाँ पे, जैसे ये तो हो गया ओरिजिन, नो डाउट सब लोग समझ रहे हैं ये ओरिजिन है, अगर हम कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे अगर हम दे दें तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कि एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ ट्रैवल किया होगा, कुछ ना कुछ वाई में, मतलब यहाँ एक्स में कुछ ना कुछ ट्रैवल किया होगा ये, और कुछ ना कुछ वाई में, मतलब इधर से कुछ ना कुछ होगा, इधर से कुछ ना कुछ होगा, और फिर इसका कुछ ना कुछ हाइट भी होगा, तो मतलब इस कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वन, वाई वन और जेड वन, नाम दे दिया हमने एक्स वन, वाई वन, जेड वन, क्योंकि ये इसका नाम दे देते हैं पी। एक पॉइंट हमने लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वन, वाई वन, जेड वन। अब इस तरीके से दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, कहीं मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे जिसका नाम है क्यू, तो क्या हो सकता है कोऑर्डिनेट कि एक्स टू, वाई टू और जेड टू। बात मुझे लग रहा है समझ पा रहे होंगे। अब अगर अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो फिर से वही फॉर्मूला निकल के आता है स्टूडेंट, जब पी क्यू का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम वही फॉर्मूला, बाद वाला एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस अब एक और बचा था ना, तो जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर कर दीजिए, हो गया फॉर्मूला। देखिए टू डायमेंशन का ही जैसा है ये भी थोड़ा सा। और फाइनली एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे, आपके सामने क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो डिस्टेंस मुझे लग रहा है फॉर्मूला समझ पा रहे होंगे, सेम टू डी के ही जैसा फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, कौन कौन सा, बिटवीन द पॉइंट्स माइनस थ्री माइनस वन जीरो, माइनस थ्री माइनस वन जीरो, और दूसरा पॉइंट है एंड एंड टू माइनस वन, टू माइनस वन और फाइव, ये है। तो इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जब हम मान के चला जाए कि इसको हम ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू, तो जब हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, दैट हम आंसर कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हम उसको माइनस इससे कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को किसी से करिए आंसर वही आएगा, ठीक है। आप टू को पर हाँ ध्यान रखना है कि जो भी करिए एक सीक्वेंस में करिए, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे बाद वाला माइनस पहले वाला, तो क्या होगा टू, ये मान लीजिए यही बाद वाला है, तो टू माइनस और यहाँ का माइनस थ्री, टू माइनस ऑफ माइनस थ्री और पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन और वहाँ का फिर से माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव और वहाँ का माइनस जीरो का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट है। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए अंडर रूट ये टू माइनस और माइनस थ्री क्या होगा, फाइव, टू प्लस थ्री तो टू प्लस थ्री फाइव, फाइव का होल स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस वन क्या हो गया, माइनस टू का होल स्क्वायर करके तो फोर होता है, फिर प्लस
फाइव का, यहाँ 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर मतलब 25, कितना हो गया जी यहाँ पे आंसर। अच्छा एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो गया अपने से, देखिए यहाँ पे क्या हो गया जी, माइनस वन में से इसको घटाना है, पहले से माइनस वन है ये, तो माइनस वन ऑफ यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस वन होगा, तो फाइनली ये तो प्लस में हो जाएगा जी, नहीं समझे, देखिए माइनस वन में से माइनस वन घटेगा तब ना, तो माइनस वन ऑफ माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस खत्म हो गया, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो फाइनली 25 25 50 हो गया, तो अंडर रूट 50 इसका आंसर हो गया, यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, या फिर आप 50 को लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 2, अंदर में ही इस 50 को तोड़ दिया हमने, 25 गुना 2, और 25 का स्क्वायर रूट क्या बाहर आता है 5, और अंडर रूट में 2 रह गया यूनिट आंसर। तो थोड़ा सा सीखने वाला था, अब मान के चलिए आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे जिनका मैथ से थोड़ा सा दूरी बन चुका था, उन लोगों के लिए थोड़ा सा धीरज रखते हुए बताया गया है, और बाकी अभी तक आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा समझिए स्टूडेंट। तो आज के क्लासेस में हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, भाई किसी नंबर्स का, किसी पॉइंट का एड्रेस क्या होता है, तो एड्रेस को बताने का हमने अभी सिर्फ एक तरीका सीखा है, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने सीखा, एक्स वाई प्लेन में हमने काम करा है, आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं जो अभी सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या 2D प्लेन बोलते हैं, है ना, या रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जब आप आगे आएंगे, फिर हमने सीखा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फिर हमने 3D में एंटर कर गए हम लोग यहाँ से, अभी 3D भी कौन सा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही है। आने वाले क्लासेस में स्टूडेंट इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के और दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पोलर प्लेन कहते हैं, फिर हम लोग और भी बात करेंगे स्फेरिकल प्लेन, तो पर उससे पहले इसको बहुत अच्छे से फील करिए, समझिए, कहीं डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मिलते हैं बच्चों अगले क्लासेस में।